हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। बच्चों, आपके लिए मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस टू बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें जो क्वेश्चन आता है बच्चों, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो ये हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे बच्चों। तो हमारी पिछली जो वीडियो है, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अपनी जो पिछली वीडियो थी बच्चों, उसमें जो क्वेश्चन कराया था, जो मेनली टॉपिक कराया था, वो कराया था डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, यानी कि जो एक डेवलपमेंट होता है मेगा स्पोरेंजियम, या जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल की मैंने बच्चों आपको स्ट्रक्चर कराई थी, ओव्यूल कैसे डेवलप करते हैं उनके बारे में बताया था। तो ये वीडियो भी मैं आज वहीं से स्टार्ट करता हूं बच्चों। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाए हुए हैं, तो जो ये डायग्राम आप देख रहे हो अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो बच्चों ये डायग्राम है एक एनाट्रोपस ओव्यूल का। भले ही चाहे वो कोई सा भी ओव्यूल हो, जब आप पढ़ते हो, जैसे मैंने बताए थे आपको कि जो ओव्यूल्स होते हैं, ये ओरिएंटेशन के आधार पे, जो इनकी जो बॉडी का कर्वेचर है इसके आधार पे, और जो उसका किसके साथ जो फ्यूनिकल्स होते हैं या फ्यूनिकुलस होता है उसके रिलेशन से अगर हम इनका शेप देखें, तो ये छह टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। चाहे आप कोई सा भी पढ़िए, चाहे वो एनाट्रोपस हो, ऑर्थोट्रोपस हो, हेमीट्रोपस हो, या फिर एम्फीट्रोपस हो, कैम्पाइलोट्रोपस हो, या सर्सिनोट्रोपस हो, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, ये छह टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। तो सभी टाइप के ओव्यूल्स में जो डेवलपमेंट होगा फीमेल गैमेटोफाइट का, वो एक जैसा ही होता है। तो आप कोई सा भी, यानी कि जैसे ओव्यूल की स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये मैंने जैसे एक एनाट्रोपस ओव्यूल बना रखा है। तो जो एनाट्रोपस ओव्यूल्स हैं, चाहे वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स हों, तो जो आपके बच्चों सिलेबस में है, एक पॉलीगोनम जैसे कहते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं उनमें एक एग्जाम्पल्स आता है बच्चों पॉलीगोनम का। तो जो पॉलीगोनम का एम्ब्रियोस है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट है, वो ज़्यादातर हम लगभग 80% जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें उसी जैसा डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो हम आज उसी का, यानी कि डेवलपमेंट आपको समझाएंगे, जो पॉलीगोनम टाइप का जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि फीमेल जो गैमेटोफाइट हैं वो कैसे डेवलप करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज बच्चों, ये है एक ओव्यूल। तो इस ओव्यूल में हमने स्टार्ट में बताया था जो इसकी स्ट्रक्चर है, ओव्यूल के अंदर क्या होती हैं, जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं, यानी एक जैसे मास ऑफ न्यूसेलस सेल्स। तो जो मास है ये न्यूसेलस का सेल्स, इसी मास का के अंदर जो न्यूसेलस की सेल्स होंगी, और इनको जो कवरअप कर रहे हैं वो इंटेगुमेंट होते हैं। तो हम यहीं से करेंगे, क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो तभी स्टार्ट हो जाता है जब ये जो न्यूसेलस की सेल्स हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली सराउंडेड बाई इंटेगुमेंट्स, यानी कि जब तक ये इंटेगुमेंट से पूरी तरह से सराउंड नहीं करती। और जैसे ये न्यूसेलस की सेल बनना स्टार्ट करती हैं, तो ये जैसे डेवलप हो जाएंगी बच्चों, तभी यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, या जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोर का जो फॉर्मेशन है, वो तभी से स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे देखते हैं, जैसे जो ये ओव्यूल है, अब ओव्यूल के अंदर जो ये न्यूसेलस की सेल्स होती हैं, तो उन्हीं न्यूसेलस की सेल्स में जो सेल्स, यानी कि इनको हम जैसे कहते हैं ना हाइपोडर्मल सेल, जो इस न्यूसेलस के नीचे वाली सेल्स हैं, तो इनमें जो माइक्रोपाइलर एंड है बच्चों, तो उस माइक्रोपाइलर एंड की एक कोई सिंगल सेल्स वो डिफरेंशिएट करती है। न्यूसेलस में जो माइक्रोपाइलर एंड की एक जो सिंगल सेल होती है, वो सेल डिफरेंशिएट करती है, और डिफरेंशिएट करके क्या बनाती है, उस सेल को हम बच्चों कहते हैं आर की स्पोरियल सेल्स, आर की स्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं। ये जो आर की स्पोरियल सेल्स है, ये आर की स्पोरियल सेल या तो डायरेक्टली बच्चों बिहेव कर सकती है एज ए मेगा स्पोर मदर सेल, और यदि ये डायरेक्टली बिहेव नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा, इस आर्किस्पोरियल सेल में ये सेल अब डिवाइड करती है। पहले थोड़ा सा, यानी कि जैसे कहते हैं कि जो जैसे जैसे डेवलपमेंट चल रहा है, तो इसमें ये आर्किस्पोरियल सेल्स अपने आप को जब डिफ्रेंशिएट करेगी, तो थोड़ी सी साइज में इंक्रीज हो जाती है, वेल डेवलप इसके अंदर न्यूक्लियस बन जाता है, साइटोप्लाज्म की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे ये आर्किस्पोरियल सेल्स डिफ्रेंशिएट करती रहेगी, तो या तो फिर यही, यानी कि जैसे कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स डिफ्रेंशिएट करके मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी, या फिर बच्चों क्या होगा, इस आर्किस्पोरियल सेल्स में डिवीजन होती है, यानी कि डिवाइड करती है। और ये जब ये डिवाइड करेगी, पेरिक्लिनरी डिवाइड करती है,
तो जब ये पेरिकलिनली डिवाइड करती है तो इससे दो टाइप की सेल्स बनाती है बच्चों। तो एक जो सेल्स बनती है आउटर वाली, उस आउटर वाली सेल्स को तो हम कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो दूसरी सेल बनती है इनर यानी कि नीचे वाली, उसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। तो ये दो सेल्स बनाई आर की स्पोरियल ने, प्राइमरी पेराइटल सेल और एक प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब क्या होगा बच्चों, जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स है इट मे बी डिवाइड और री डिवाइड, यानी हो सकता है कि एक या दो बार डिवाइड कर ले, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा जैसे रोल नहीं है जैसा कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बताया था। क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी यही मैंने बताया था बच्चों कि जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके दो टाइप की सेल्स बनाती हैं, एक प्राइमरी पेराइटल सेल्स और दूसरी स्पोरोजीनस मदर सेल। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल थी वहाँ पर क्या बना रही थी, वहाँ पर पोलन सैक यानी कि जैसे कहते हैं एक कंसेंट्रिक लेयर में अरेंज होके पोलन सैक बना रही थी। लेकिन यहाँ पर इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है प्राइमरी पेराइटल सेल्स, ये एज ए होस्टेरियम की तरह काम कर सकती हैं। अगर ये डिवाइड करती हैं तो एक या दो सेल्स बना के और वो होस्टेरियम का काम करती हैं। लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स है, अब ये बच्चों क्योंकि एक तरह से बिहेव करें, क्योंकि ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है तो ये स्पोर बनाने का काम करती है, इसी से जो माइक्रो जो मेगा स्पोर है बच्चों वो मेगा स्पोर डेवलप करते हैं। तो ये अब इसको अगर हम डिफाइन करें कि द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं सभी जितनी भी न्यूसेलस की सेल्स होती हैं बच्चों, ये न्यूसेलस की सेल्स कैसी होती हैं नेचर में 2n डिप्लॉयड होती हैं। तो इसका मतलब जो आर्किस्पोरियल सेल थी वो भी डिप्लॉयड थी, और जब ये सेल डिवाइड करके दो सेल बना रही है तो ये दोनों सेल्स भी माइटोटिकली डिवाइड करती है। जो पेरिक्लिनली यानी डिवाइड कर रही हैं तो एक टाइप का वो माइटोटिक डिवीजन है जिसमें दोनों सेल्स की जो पोलॉयडी है वो सेम है, यानी कि एक तरह से ये भी 2n होगी वो भी 2n होती हैं। अब ये जो स्पोरोजीनस सेल बनी है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ये थोड़ा साइज में बच्चों क्या करती है धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो ये न्यूसेलस की सेल्स को थोड़ा अपने जैसे कहते हैं साइड को हटाती चली जाएगी और अपने साइज में बढ़ती चली जाएगी। और ये सेल जब ये थोड़ा साइज को इंक्रीज कर लेती है, अब ये फर्दर क्या करेगी, अब ये मियोटिकली डिवाइड करती है, क्योंकि गैमीट बनाना है तो गैमीट बनाने के लिए इसमें मियोटिक डिवीजन होती है जिसको हम मियोसिस कहते हैं। तो बच्चों जैसे ये मियोटिकली डिवाइड करेगी, आप जानते हैं कि जब कोई एक डिप्लॉयड सेल या 2n सेल्स मियोटिकली डिवाइड करती है तो उससे क्या बनते हैं 4 हैप्लॉयड सेल्स बन जाती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ये सेल जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है ये डिवाइड करती है मियोटिकली, देन फॉर्म द 4 यानी जैसे कहते हैं 4 क्या बना लेती है टेट्रार्ड्स बना लेती है, ये 4 टेट्रार्ड्स बन जाते हैं इन लीनियरली। तो पहले जैसे मान लो, क्योंकि मियोसिस आप जानते हैं दो बार होती है, पहली मियोसिस फर्स्ट उसमें एक सेल डिवाइड करके दो बनाएगी, और जब दूसरी यानी कि मियोसिस होगी उसमें दोनों सेल्स डिवाइड करके फिर फर्दर दो बनाएगी, यानी टोटल जो सेल्स बनती है मियोसिस डिवीजन में एक सेल से वो 4 बनती है। तो ये चारों की चारों सेल्स क्या होती हैं जिनको हम हैप्लॉयड मेगास्पोर कहते हैं। तो ये जो हैप्लॉयड मेगास्पोर होते हैं बच्चों, इन हैप्लॉयड मेगास्पोर में भी क्या होता है, क्योंकि लीनियर फॉर्म में है, जैसे लीनियर का मतलब है एक लाइन में है, इनमें से जो 3 यानी कि हम देखते हैं जो ये 4 सेल्स आप देख रहे हैं बच्चों, इन 4 में क्या होगा, जो ये 3 ऊपर वाले यानी कि मेगास्पोर होते हैं, तो ये 3 मेगास्पोर्स क्या करते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं, और जो एक यानी कि बचता है, जो मेनली एक यानी कि जैसे बचता है वो फंक्शनल मेगा स्पोर की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि जो पॉलीगोनम टाइप के या जो और मेजोरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं, क्योंकि मोनोस्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट होता है, तो जो मेनली जैसे अब इसमें क्या है कि दो सेल बनी थी, एक प्राइमरी पेराइटल सेल्स और एक मेगा स्पोर मदर सेल। तो जो मेगा स्पोर मदर सेल है अब ये क्या कर रही है, ये डिवाइड करती है मियोटिकली, और मियोटिकली डिवाइड करेगी तो कितने स्पोर बना लेगी, 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर बन गए। अब ये जो 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर हैं ये लीनियरली अरेंज हो रहे हैं, इनमें से जो 3 मेगा स्पोर होते हैं टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये डिजेनरेट हो जाते हैं स्लोली स्लोली। क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहेगा तो जो 3 यानी कि माइक्रोस्पोर थे मेगास्पोर, वो कौन सी साइड वाले, जो माइक्रोपाइलर वाली एंड के होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और एक जो चैलेजल वाला एंड वाला जो मेगास्पोर होता है बच्चों हैप्लॉयड, वो फंक्शनल है, इसलिए हम इसको कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये 3 जो हैं ये तो डिजेनरेट हो गया, बच गया एक ओनली। तो ये जो एक सिंगल मेगास्पोर बच रहा है,
अब इसी से क्या बनता है, फीमेल गैमिटोफाइट या जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, इसी से एक एम्ब्रियो सैक बनेगा या जिसको हम फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। तो अब हम यदि हम इसी को लें तो हमारे पास में ये, जैसे बच्चों अब इस नेक्स्ट डायग्राम को देखिए, ये है एक फंक्शनल मेगा स्पोर। इस फंक्शनल मेगा स्पोर में 3 यानी कि जो मेगा स्पोर थे वो हमने इनको डिजेनरेट करा दिए, ये तो डिजेनरेट हो गए। और जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर है, अब इसका जो न्यूक्लियस है थोड़ा सा अब ये साइज में इंक्रीज करता है धीरे धीरे, क्योंकि इनके साइज बड़ा होता रहेगा, एक अपने जो ऑप्टिमम साइज है उसको अटेन करने के बाद इसका जो न्यूक्लियस है अब वो फिर फर्दर डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन है कि ये ऑलरेडी हैप्लॉयड है, ये 1n वाला न्यूक्लियस है, हैप्लॉयड न्यूक्लियस है, क्योंकि इसमें मियोसिस जो डिवीजन है वो मियोसिस डिवीजन से ये मेगास्पोर बना है। तो बच्चों इसमें जब मियोसिस के बाद यानी आप जब डिवीजन होगी तो वो कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस। तो ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और 3 टाइम करते हैं यानी कि 3 बार, ये 3 टाइम्स यानी कि जो न्यूक्लियस है इसका वो डिवाइड करेगा किसके अंदर, इस माइक्रोस्पोर में इसका जो न्यूक्लियस है, जो मेगास्पोर, जो ये मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर के अंदर जो इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, जो इसका मेगास्पोर है फंक्शनल, अब देखो ये साइज में इंक्रीज होगा, इसने एक साइज ले लिया जैसे ना थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप में हो जाता है, जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा इसके न्यूक्लियस अगर आप देखोगे तो इसका न्यूक्लियस भी साइज में इंक्रीज करता है, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि एक जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करता है माइटोटिकली, फर्स्ट मियोटिक जो डिवीजन होगी उसमें 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, जब 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो वो दोनों न्यूक्लियाई कैसे करते हैं फिर, यानी कि फर्दर डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, क्योंकि 3 टाइम यानी जैसे कहते हैं 3 बार डिवीजन होती है, जब 3 बार डिवीजन होगी तो अल्टीमेटली कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 8, क्योंकि एक बार में 2 बनते हैं फर्स्ट डिवीजन होगी, सेकंड में 2 से 4 बनेंगे तो 4 बन गए, और उसके बाद में जो तीसरी माइटोटिक डिवीजन होगी तो उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें 4 से 8 बन जाएंगे, जैसे कहते हैं ना डबलिंग होती है हमेशा माइटोसिस में, क्या होते हैं 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरह से यानी जियोमेट्रिकल यानी जैसे कहते हैं जियोमेट्रिकली प्रोग्रेशन होती है हमेशा। तो ये क्या करेंगे, अब ये 8 न्यूक्लियाई बन गए, अब इन 8 न्यूक्लियाई में भी क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, जो मेनली इसका जब साइज है, क्योंकि बाकी की जो न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेट होती चली जाती हैं, और उनसे जो न्यूट्रेंट है उनको ये एब्जॉर्ब कर करके ये अपने साइज को बढ़ाता रहेगा, ये एम्ब्रियो सैक थोड़ा साइज में इंक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो 8 यानी कि न्यूक्लियाई बनते हैं बच्चों, इन 8 न्यूक्लियाई में क्या होगा कि जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 3 न्यूक्लियाई एक पोल पर अरेंज हो जाते हैं, पहले जैसे बनते जा रहे हैं 1 से 2 बन गए, 2 के 4 बन गए, 4 से 8 न्यूक्लियाई बन गए, उन 8 न्यूक्लियाई में क्या होगा बच्चों कि जो 8 न्यूक्लियाई हैं 3 न्यूक्लियाई तो अरेंज हो जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 3 जो न्यूक्लियाई होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं कहाँ पर, चैलेंजर एंड की तरफ, और जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं यानी कि रिमेनिंग 2 वो धीरे धीरे स्लोली मूव करके कहाँ जाते हैं, वो सेंटर में आ जाते हैं। अब सेंटर में आने के बाद जो ऊपर वाले 3 न्यूक्लियाई हैं तो ये अलग अलग सेल बना लेंगे बच्चों, सेल कैसे बना लेते हैं, जो 3 ऊपर वाले थे वो 3ों यानी कि जो न्यूक्लियाई थे अब साइटोप्लाज्म को एक्वायर करते हुए 3 यानी कि सेल बन जाती हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, उनमें 3 सेल जब आप बनती हैं तो इन 3ों सेल को हम क्या कहते हैं, इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों एग एपरेटस। तो ऊपर वाले माइक्रोपाइलर एंड की जो 3 यानी कि सेल्स थी उन्होंने क्या बनाया, एग एपरेटस। इसी तरह से जो नीचे वाली जो 3 न्यूक्लियाई थे उन्होंने 3 सेल्स बना ली, वो 3 सेल्स क्या बनाई, उनका नाम दे दिया हमने एंटीपोडल सेल्स, और जो 2 न्यूक्लियाई थे ये 2 न्यूक्लियाई कहाँ आ गए, 2 सेंटर में आ गए, हालांकि ये फ्यूज नहीं होते, अभी ये फ्यूज नहीं है, 2 न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाते हैं, तो अब ये क्या बनाएगी, एक ही सेंट्रल सेल बना देगी। अब ये जब सेंट्रल सेल्स क्योंकि सबसे बड़ी होती है, इसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, और जो ऊपर वाली यानी कि जो सेल्स थी उन सेल्स में यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड का एग एपरेटस था उनमें भी क्या होता है कि 3ों ही सेल्स की जो वॉल होती है वो बच्चों कॉमन है, 3ों ही सेल में अगर आप देखें उनकी जो वॉल होती है वो कॉमन होती है, और जो मिडिल वाली सेल्स होती है वो कंपैरेटिवली जो लेटरल साइड की सेल्स हैं उन लेटरल वाली सेल्स से थोड़ा सा साइज में बड़ी होती है, इसलिए हम उस सेल्स को क्या कहते हैं, जो मिडिल वाली सेल्स होती है उसको कहते हैं एग सेल, या उसके लिए वर्ड करते हैं ऊ स्फीयर भी कह सकते हैं, उसको ऊ स्फीयर का नाम भी दे सकते हैं, ये ऊ स्फीयर हो गया या एग सेल की तरह बिहेव करेगी, और जो उसके दोनों साइड की लेटरल सेल्स होती हैं उन दोनों लेटरल सेल्स के जो साइज हैं कंपैरेटिवली उससे थोड़े छोटे होंगे,
वो सेल क्या कहलाती हैं, उनको हम सिनर्जिड सेल्स कहते हैं। तो ये दो सिनर्जिड्स हो गए जो लेटरल साइड में होते हैं, और एक मिडिल में जो होती है यानी कि इनके दोनों के बीच में होती है, उसको हम एग या फिर स्फीयर का नाम देते हैं। और जो नीचे तीन सेल यानी कि बनी थी जो चैलेजा एंड पे बनी है, इन चैलेजा एंड पे जो तीन सेल होती हैं इनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं बच्चों, इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये एंटीपोडल सेल हो गई और ऊपर वाला एग एपरेटस हो गया, और दो न्यूक्लियाई जो सेंटर में आए थे ये फ्यूज नहीं हुए, एक पूरी कंप्लीट सेल बना दी। फ्यूजन तब होगा जब कोई पोलन ट्यूब यानी कि अंदर एंट्री करती है, ओवरी के अंदर आती है, फिर ओवरी से ओवुल में जाती है, तो उसके बाद, क्योंकि ये दोनों अभी जो न्यूक्लियाई हैं इन दोनों न्यूक्लियाई को मिलकर हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। और जैसे ही यानी कि जो, क्योंकि आप जानते होंगे या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में भी, कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं बच्चों, उन सभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल से मीनिंग होता है कि जो पोलन ग्रेन आते हैं और जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं, और स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करने के बाद में जब उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, और जब वो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाते हैं, तो उस पोलन ट्यूब में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था बच्चों, दो मेल गैमेटोफाइट होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होती है। तो वेजिटेटिव जो सेल है वो दो धीरे धीरे जैसे ही उसका न्यूक्लियस टिप से आता है तो वो डिजेनरेट हो जाता है, और जो दो मेल गैमेटोफाइट होते हैं वो कैसे हैं, वो फंक्शनल हैं। तो उन्हीं में से एक मेल गैमेटोफाइट किसके साथ यानी कि फर्टिलाइज करेगा, एग सेल के साथ, और दूसरा किसके साथ यानी कि फर्टिलाइज करता है, जो ये पोलर है। यानी तो पोलर फर्टिलाइजेशन होने से पहले दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये तब फ्यूज करके और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, या जिसको हम डिप्लॉयड न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस जब यानी कि बनेगा तो इसके साथ दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करके क्या बना देगा, इसको एक ट्रिप्लॉयड, जैसे कहते हैं ना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसके साथ जो फ्यूज करेगा एक मेल गैमेट एग सेल के साथ, उससे क्या बन जाएगा, एक जायगोट बन जाएगा। तो ये बाद की बात है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये एक बच्चों क्या हुआ, अब ये एम्ब्रियो सैक बन गया, यानी कि जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर था ये धीरे धीरे डिवाइड करते, यानी इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके दो बनाए और इसका साइज बढ़ता रहा, इसने एक बहुत लार्ज साइज का एक शेप बना ली, कहाँ, इस न्यूसेलस के अंदर। अब जो न्यूसेलस की सेल होती हैं, ये न्यूसेलस की सेल धीरे धीरे मरती रहती है, डिजेनरेट होती रहती हैं। हालांकि कुछ प्लांटों में न्यूसेलस की सेल परसिस्ट कर सकती हैं, अगर कुछ प्लांट में ये न्यूसेलस की सेल्स परसिस्ट कर जाएं तो उनके लिए भी हम बच्चों एक वर्ड यूज करते हैं, पेरिस्पर्म, वो पेरिस्पर्म कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एम्ब्रियो सैक यानी कि बनता रहेगा, या जो जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट करें, यही पूरा एक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एक एग सेल है, यानी कि जैसे कहते हैं ये एक 8 न्यूक्लियाई स्टेज होती है, या 7 सेल कहते हैं, यानी कि इसमें 7 सेल स्टेज हैं। 7 में कौन सी होगी, 3 उधर होती हैं यानी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और 3 होती हैं बच्चों जो चले जाए एंड है। तो जो 3 माइक्रोपाइलर एंड की जो सेल थी उनमें एक एग है, एक एग सेल है, और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। अब इसमें देख रहे हो आप बच्चों जो सिनर्जिड सेल है, इन सिनर्जिड सेल्स में से भी धीरे धीरे क्या होगा कि इनसे कुछ यानी जैसे कहते हैं फिंगर लाइक प्रोसेस अराइज करना स्टार्ट कर देती हैं। जो ये फिंगर लाइक प्रोसेस निकल रही हैं, इनका जो नाम है इनको क्या देते हैं हम, दे आर कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस हैं। अब ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, इनका रोल कोई ज़्यादा विशेष नहीं होता, ये बन भी सकते हैं वैसे कुछ एम्ब्रियो सेक के अंदर, और ज़रूरी भी नहीं है कि ना भी बने, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बने, यानी कि हो सकता है कि वो ना भी बने। तो लेकिन इनका जो रोल होता है, इनका रोल ये होता है, एक तो ये कि जब पोलन ट्यूब आती है तो उस पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम है, यानी एक तो ये उसको गाइड करती हैं ताकि पोलन ट्यूब सीधी जो है वो जब वो यानी कि एंट्री करेगी तो वो एग सेल के टच में आए, तो एक तो उसको गाइड करने का काम करती हैं, और दूसरा एक काम ये होता है कि जो ये सिनर्जी सेल्स हैं ये एक तरह से जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, जो यानी कि जैसे न्यूसेलस की सेल हैं और जो डेड होती जा रही हैं, डिजेनरेट होती जा रही हैं, तो उनको ये एब्जॉर्ब करके और इनको न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करती है, क्योंकि ये जितनी सेल होती हैं ऑल आर कम्युनिकेटेड टू ईच अदर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। ये इनके अंदर जो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है, उन प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू ये दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती रहती है। सभी जैसे मान लो सेंट्रल सेल है, ये इनके साथ कम्युनिकेट करती है, तो इनको जो न्यूट्रिएंट हैं वो मिलते रहते हैं।
तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये सिनर्जिट्स का जो रोल है केवल या तो एब्जॉर्प्शन में हो सकता है, जैसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, और या जो मेनली पोलन ट्यूब आती है उस पोलन ट्यूब को एक तरह से गाइड करने का काम करती है। तो ये सिनर्जिट्स हो गए। और उसके बाद में जैसे ही यानी कि एक तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही यानी कि ये क्या हो जाती हैं, सिनर्जिट सेल्स डीजेनरेट हो जाती है। तो इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा कि आफ्टर जैसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन या बिफोर फर्टिलाइजेशन ये क्या हो जाएंगी, ये डीजेनरेट हो जाती हैं। और उसके बाद जैसे हम एंटीपोडल जो सेल्स होती हैं इनका भी वही रोल होता है, लगभग एब्जॉर्प्शन का होता है। तो ये यानी कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इनका भी कोई ज़्यादा रोल नहीं होता कि ये भी यानी जैसे कहते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद यानी कि ये डिजेनरेट हो जाती हैं। तो अब इस पूरे की पूरे एम्ब्रियो सेक में अगर आप देखेंगे, ये सेल भी यानी कि जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये भी डिजेनरेट हो जाती हैं, और जो दोनों सिनर्जिट्स होते हैं ये भी डेड हो जाते हैं। अब क्या बच जाता है मेनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक तो जो मेल गैमिट यानी कि फ्यूज करके एग सेल के साथ बनाता है जायगोट, और एक क्या होगा जो दूसरा मेल गैमिट है वो इन पोलर यानी जब ये दोनों फ्यूज करेंगी उसी टाइम ये फ्यूज होके और एक क्या बना लेती हैं, फिर ये दोनों फ्यूज होके एक यानी कि कॉमन जैसे कहते हैं सेल बना लेती हैं 2N डिप्लॉइड, और इस 2N सेल को हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। जब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा बच्चों, तो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमिटोफाइट जो आएगा उसका न्यूक्लियस जब फ्यूज होगा तो ये कैसी बन जाएगी नेचर में 3N, इसको हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। इसीलिए जब इसका डेवलपमेंट होगा तो इसके डेवलपमेंट के बाद में क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, क्योंकि इसको हम कहते हैं 3N को प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और बाद में जब इसका डेवलपमेंट होगा तो इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डेवलपमेंट के बाद ये बना देगा एंडोस्पर्म। क्योंकि अब आप थोड़ा आगे पढ़ोगे बच्चों कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवूल होते हैं दे विल चेंज इनटू सीड, तो जो सीड में बनाएंगे ये, तो सीड जो होगा तो सीड कैसे बनेगा, सीड के अंदर अब यदि मान लो उसके अंदर एंडोस्पर्म है तो वो कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक, और यदि उनमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता तो वो कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। अब नॉन एंडोस्पर्म अगर एंडोस्पर्मिक का मतलब ये होगा कि सभी को एंडोस्पर्म तो चाहिए, पहले एंडोस्पर्म तो सभी में बनता है, लेकिन ये जो एंडोस्पर्म है ये धीरे धीरे जब ये जायगोट ग्रो करके या डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, डेवलपमेंट करके एक तरह से एम्ब्रियो बनाएगा, तो ये एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए कुछ सीडों में ये जो एंडोस्पर्म है बच्चों ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, जैसे जैसे उसका यानी कि डेवलपमेंट चलता रहेगा एम्ब्रियो का, तो ऐसे वैसे ही इसकी मात्रा कम होती जाएगी, और हो सकता है कि एक स्टेज ऐसी आ जाए जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जब ये पूरा ख़त्म हो जाता है तब हम ऐसे ही यानी कि जो सीड बनेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उन सीड को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। और यदि ये मान लीजिए इसके डेवलपमेंट के बाद भी जो एम्ब्रियो है वो डेवलप भी हो गया जायगोट से और फिर भी ये रह जाता है, मान लीजिए एंडोस्पर्म फिर भी परसिस्ट करता है, तो हम ऐसे ही सीड को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ सीड, वन इज एंडोस्पर्मिक और दूसरे होते हैं नॉन एंड। जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर मोनोकोट में पाए जाते हैं, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं जिनमें यानी कि एंडोस्पर्म नहीं होता वो डाइकोट के होते हैं। तो ये बच्चों एक टिपिकल जैसे कहते हैं एक ओवूल के अंदर क्या बन गया, फीमेल गैमिटोफाइट। जो एम्ब्रियो सैक है हम इसी एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं, जिसमें एक क्या है ये 7 सेल स्टेज है, या फिर इसको 8 न्यूक्लियाई वाला कह सकते हैं। तो 7 सेल में मैंने अभी बता दिया आपको जो माइक्रोपाइलर एंड की 3 सेल्स और 3 सेल चैलेजर एंड की होगी, और 2 न्यूक्लियाई मिलकर एक सेंट्रली सेल बनाते हैं जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, या इनिशियली जैसे पोलर सेल भी कहते हैं इसको, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। तो ये जो डेवलपमेंट है बच्चों हम इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट। तो मुझे लगता है बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो भी हमारी आने वाली वीडियो हैं अगर आप उनको भी उनके नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन दबाइए, और पुरानी वीडियो को देखने के लिए आई बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको इनके जो लिंक हैं वो भी बच्चों मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।